हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। और अभी 8:30 बजे मैं और अभिषेक हम सब उठ गए। टी हमारी जस्ट अभी हो गई है और थोड़ा इश्यू आ रहा है डेटा, मतलब डेटा की वजह से अपलोड नहीं हो रहा। हाँ, रात को व्लॉग लगाया था ना, वो अपलोड नहीं हुआ अभी तक। अब दोबारा अपलोडिंग पे लगाया हुआ है और अब बैठ के वेट कर रहे हैं अपलोड होने का। अभी 9 बज गए हैं, अब देखते हैं कब तक अपलोड होता है, कब तक अपलोड होगा। तो हमारे 2 दिन का है, हमने 2 दिन का मर्ज कर लिया क्योंकि गांव में यू नो नेटवर्क इशू बहुत होता है, तो इस वजह से अब 2 दिन का मर्ज करके आज डालने की ट्राई कर रहे हैं। आई होप सो अपलोड हो जाए जल्दी। उसके लिए हम बाहर आए हैं क्योंकि घर के अंदर कभी कभार नेटवर्क नहीं आता एयरटेल का, तो हम बाहर की साइड आए। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है और अभिषेक ने नहीं करा, तो अभिषेक फ्रूट सैलेड खा रहा है बैठ के। यहाँ पे खुशहाल बैठा है और यहाँ पे मैं बैठी हूँ। और अब हम लोग प्लान कर रहे हैं क्या करें क्या नहीं, और साइड में ततैया भी उड़ रहा है इधर। ये मम्मी आ गई है ब्रेकफास्ट बना के खा के। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मम्मी ने बनाई है राजस्थानी काचरे की चटनी। ये भी वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गई, तो पूरी प्रोसेस दिखाते हैं। यहाँ पे शिलबट्टा पे बनाई है। हाँ, और यहाँ पे हिना किचन में लगी हुई है। क्या बना रही है ना? गट्टे की सब्जी। ये बना रही है बेसन के गट्टे की सब्जी। और हमारी पिछली वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आया, जिसकी वजह से हमें इस वीडियो को एडिट करना पड़ रहा है दोबारा। हमारे एयरटेल और वोडाफोन के कनेक्शन नहीं आ रहे हैं ढंग से, इसलिए हम यहाँ पे जियो की सिम लेने आए हैं। मैं, कुशाल और हिना, हम लोग स्कूटी और बाइक लेके आए हैं। अब जाते हैं अंदर, सिम लेते हैं और फिर घर चलते हैं और देखते हैं चला के नेट कैसा चलता है जियो का। हमने सिम ले ली है और अब हम चल रहे हैं कोमल का फ़ोन ठीक करवाना है, उसका एक पुराना फ़ोन है, उसकी स्क्रीन ठीक करवानी है। चलो, हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मोबाइल ठीक करवाने। हमने फ़ोन ठीक नहीं कराया क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। ये 1800 बता रहे हैं एक नॉर्मल सी स्क्रीन का, और दिल्ली में 1000 रुपये में हो जाता है, तो हम अब नहीं करवा रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, यहाँ पे लोकल एरिया है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं सब्जी और फ्रूट्स, थोड़े पपाया और कुछ फलियाँ लेंगे। तो अब हम लोगों की हो गई है शॉपिंग, फ्रूट्स वगैरह ले लिए हैं, सिम ले ली, अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। अभी फाटक लग गई है, ट्रेन आने वाली है। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है फाटक लगने की। यहाँ पे हर ट्रेन का, मतलब वही स्टॉपेज है, हर ट्रेन की क्रॉसिंग होती है यहाँ से, तो यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी देर में 5-5, 10-10 मिनट में फाटक लगती रहती है, तो वेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो 10-10 मिनट्स 15 मिनट्स तक वेट करना पड़ता है। तो लोगों के लिए मेन प्रॉब्लम तो ये है यहाँ पर फाटक। तो हमने यहाँ से आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक ले ली है, ये रही आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक। अब घर चलते हैं। ये सिनेमा हॉल है इधर, जो कुछ टाइम पहले तो चल रहा था, 1 साल तक चला था जब बना था, उसके बाद में ये बंद पड़ा है। ये है जेके वाइट सीमेंट, जहाँ पे मेरे पापा वर्क करते थे। यहाँ पे फैक्ट्री है, पूरा प्लांट है यहाँ पे। लाइमस्टोन का इनका है काम। आई नो कि मोस्टली सबको, लोगों को पता होगा जेके वाइट सीमेंट के बारे में। ये सारे बोर्डिंग हॉस्टल्स हैं, मतलब लॉन्ड्री वगैरह ऐसे बना रखे हैं बोर्डर्स के लिए, बिकॉज LKSE जो है बोर्डिंग स्कूल है। ये हमारी स्कूल है, हमारे स्कूल की मेन एंट्रेंस है, जहाँ पे मैं नर्सरी से लेके 12th तक यहाँ पे मैंने स्टडी की है। ये कॉलेज बन रहा है यहाँ पे, वो भी IIT के लिए। बोटन में ये फर्स्ट कॉलेज है जो बन रहा है, क्योंकि बोटन में कोई कॉलेज नहीं है, यहाँ पे जस्ट 12th तक ही एजुकेशन है।
ये कॉलोनी में एंटर करते हुए। यहाँ पे शांति शांति रहती है एनी टाइम। ये कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं। और बाहर मेरे पापा है झाड़ू निकालते हुए। मेरे पापा को कचरा नहीं पसंद मेरी तरह, तो वो झाड़ू निकालते रहते हैं। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं हिना का स्कूल देखने, क्योंकि बहुत उल्टी बातें करती है। मैं कह रहा तेरा स्कूल देखूंगा मैं। दिखाइयो कहाँ पढ़ी है तू। yes. तब हमें हिना अपना स्कूल दिखाएगी। और उसके बाद में हम आएंगे यहाँ पे हाथी पे, जहाँ पे मैं खेलती थी पहले। अभी भी तू खेलेगी आज जाके वहाँ पे। ये पीछे दो कॉम्प्लेक्स हैं कॉलोनी के, जहाँ से हम सारी परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग वगैरह। बाय कॉम्प्लेक्स शी मीन्स शॉप्स। यस। और इधर हम जा रहे हैं, यहाँ से हमारे स्कूल का रास्ता था जब हम छोटे थे, यहीं से जाते थे स्कूल। यहाँ से एग्जिट है, मेन गेट है ना ये? ये तो मेन गेट है। अच्छा, रास्ते यहाँ से? यस। ओके। यहाँ से भी स्कूल जाते हैं, जो भी स्कूल के बच्चे हैं ना वो सब यहीं से स्कूल जाते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं अंदर। हम लोग इधर रहते हैं, ये स्कूल का गेट यहीं से अंदर से। इधर हॉस्टल वगैरह सब है, बोर्डर जो भी है ना, बोर्डिंग स्कूल बोर्डर सारे यहीं पर हाउस बने हैं उनके अलग अलग। खुशहाल वहाँ पर वेट कर रहा है हमारा। यहाँ पे गो कार्टिंग कर रहे हैं। सुबह चलता है ये, सुबह होना चाहिए गो कार्टिंग। यहाँ पे गो कार्टिंग सुबह होना जाती है। ये बोर्डर्स है और ये अलग अलग विवेक और कबीर टैगोर हाउस है अलग अलग हमारे स्कूल के। टैगोर लिखा था वहाँ पे, और वो कैंटीन टैगोर वो राइट में आएगा। खुशहाल थोड़ा ये टैगोर है। और ये हमारे राइट में टैगोर हाउस है। येरा देख, येरा ये है SK-45 फाइटर जेट। ये फाइटर जेट है जो कि रियल है। अभी हिना की लड़ाई करवाएंगे इससे। और वो मेन गेट है जहाँ पे हमारी बसेस लगती थी। और ये ग्राउंड बने हुए हैं, बास्केटबॉल हॉकी ग्राउंड है, ये क्रिकेट वगैरह चल रहा है, क्रिकेट ग्राउंड भी है। और ये हमारा सीनियर ब्लॉक था जहाँ पे 9 से लेकर 12 तक की क्लासेस लगती है स्कूल है। ये दो दो ब्लॉक है यहाँ पे, एक सीनियर एक जूनियर, ये वाला सीनियर ब्लॉक है। और वहाँ पे थिएटर बने हुए अलग अलग पीछे की साइड में उधर। ये टेनिस कोर्ट है यहाँ पे। मतलब पर्सनली है किसी की? और ये टीचर्स कॉलोनी है, मतलब ये कुछ कुछ टीचर्स रहते हैं यहाँ पे, बाकी के पीछे की साइड में, बट कुछ कुछ टीचर्स है। और ये बास्केटबॉल ग्राउंड है, थोड़ा नज़दीक से दिखा देते हैं आपको। शाल लेने जा रहा है एक बास्केटबॉल शॉट। टकराई भी नहीं। और ये है जूनियर ब्लॉक, ये है नर्सरी से लेके 8th क्लास तक के बच्चों के लिए बना है। और उनके लिए इधर गार्डन है, अच्छे से झूले वगैरह सब लगा रखे हैं। हम यहीं पे नर्सरी से लेके 8th क्लास तक हमारी गार्डन ही होती थी छोटी सी। और ये जो गेट है ब्लैक वाला, यहाँ से पूरा मतलब कॉलोनी है जो भी है। हाँ, ये JK कॉलोनी फर्स्ट है और हम जहाँ पे रहते हैं वो सेकंड है। ऊपर आप देख रहे हो वो फैक्ट्री है। सो इंडिया में ऐसी 3 ही फैक्ट्रीज हैं जो वाइट सीमेंट प्रोड्यूस करती है। JK वाइट सीमेंट की ब्रांचेज हैं जहाँ पे भी है,
और ये सीमेंट भी है और वाइट सीमेंट भी बनती है इधर। इन घरों में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे मोस्टली घरों में गैराज की फैसिलिटी दे रखी है गाड़ी की। यहाँ पे डाइनिंग हॉल है, जूनियर मेस है, स्विमिंग पूल है, क्लब। तो यहाँ पे भी हम बचपन में बहुत आते थे स्विमिंग करने के लिए, कैरम वगैरह जो कि बाकी स्पोर्ट्स होते हैं इंडोर स्पोर्ट्स के लिए है, और बाकी पार्टीज वगैरह भी यहाँ पे होती रहती है। मुझे इतना पता नहीं है यहाँ पे शूट करना अलाउड है नहीं है, तो मैं थोड़ा ही दिखा पाऊँगी। अगर कोई कुछ बोले तो चले यहीं से तो रिकॉर्ड कर लेते हैं बस। एज यू कैन सी अभी सब कुछ खाली पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि अभी वही है कोरोना चल रहा है, उस चक्कर में अभी बच्चे बच्चे कोई नहीं आ रहे खेलने। पूरा बंद पड़ा है, अभी पूरा बंद पड़ा है ये। ये बॉटनिकल गार्डन है, कौन से वाला गाड़ी खड़ी यहाँ पे ये? हाँ, ये वाला। यहाँ पे जो भी शोज होते हैं, फंक्शन, एनुअल फंक्शन, स्कूल के जो भी प्रोग्राम है वो इस वाले ग्राउंड में भी होते हैं, और बाकी जो मेन ग्राउंड है वहाँ पे भी होता है। तो स्कूल का हमने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, जितना भी हम कर पाए, जितनी भी परमिशन थी, जहाँ तक अलाउड था। अब हम जा रहे हैं हाथी पे, जहाँ पे हिना बचपन में खेल के अपने आप को चोटें लगाती रहती थी बार बार। लिप्स पे लगी थी मुझे यहाँ पे बहुत जोर से। हाँ, अंदर की साइड स्टिच भी लगे थे। तो अभी हम जिसमें गए थे वो JK1 थी, JK1 कॉलोनी, ये 2 है और JKC 3 है। तो हर दिन अलग अलग कॉलोनी का फंक्शन यहाँ पे चलते हैं। अब निकलेंगे कहाँ से? यहाँ से। हाँ जी, और जिसमें गरबा, डांस और कई कॉमेडी शोज, ऐसे प्रोग्राम चलते हैं यहाँ पे। हम शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं, वहाँ से काफ़ी घास हो रखी है, काटी नहीं अभी इस बार उन्होंने। और ये वही मेंटोस जिंदगी जिसको सब जानते हैं। तूने जब बचपन में तू यहाँ से जाती थी कैसा लगता था? मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। मैं कभी भी इस रास्ते से नहीं जाती थी, स्ट्रेट रास्ता बताओ यहाँ से, इडियट हो, यहाँ से इस रास्ते से मैं कभी नहीं जाती थी, मैं हमेशा शॉर्टकट से जाती थी। अच्छा, क्योंकि ज़्यादा चलना पड़ता था। मैं हमेशा अपने घर से क्रॉस करके बीच में से यहाँ से निकलती थी और ऐसे सीधा जाती थी वहाँ से, मैं कभी भी वहाँ से घूम के नहीं जाती थी। और जो मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे हो, मैं कभी भी इस वे से नहीं जाती थी अपने घर पे यहाँ पे, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती थी और शॉर्टकट लगता था इसलिए। वो मम्मी देखो बाहर बैठी है, अभी हल्की हल्की है ना बूंदे से गिर रही है और उमस हो रही है, तो मम्मी थोड़ी हवा निकालते हुए हाय करते हुए सबको। वहाँ से पी ली है, हाय फ्रेंड्स, चाय वाय पी ली हमने। तो ये हम आ गए घर पे, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे भी सब जगह घास उग रखी है। देखो यहाँ पे जस्ट कच्चा रास्ता टाइप का है, ये बैकयार्ड जैसा है पूरे कॉलोनी का। अभी दिन में रेस्ट करके अब बाहर आ गए और हम इधर हैं। कुशाल गया पेपर वर्क करने, कुछ स्कूटी से रिलेटेड। जब मैं यहाँ पे आया था ना, ये पत्थर यहाँ पड़े हुए थे, ये वाले मैं सोचा था क्यों पड़े हुए हैं यहाँ पे। और कल रात को मैं यहाँ बैठे हुए थे चेयर पे, तो यहाँ पे कुत्ते आ गए बहुत सारे, फिर ये पत्थर का यूज हुआ था, तब मेरे को समझ में आया ये पत्थर क्यों रखे हुए हैं यहाँ पे। ये पत्थर कुत्तों को भगाने के लिए रखते हैं। हाँ, ये कुत्तों को भगाने के लिए, ताकि कुत्ते यहाँ पे आके ना पोटी वोटी करके ना चले जाएं घर के सामने। बहुत कुत्ते घूमते थे कल रात, कितने घूम रहे थे। इस सामने वाले घर में बच्चा है ना, यहाँ पे आरती चल रही थी, तो यहाँ कुत्ते खड़े होकर देख रहे थे घर के बाहर क्या कर रहे हैं यहाँ पे लोग। सारा कुछ जाना है कुत्तों को, बहुत पंचायती कुत्ते हैं यहाँ पे। सो गाइस, खाना वाना खा के हम लोग बाहर टहल के आ चुके हैं, और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आज का व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया था, क्योंकि हिना अपने स्कूल लेके गई थी मेरे को घुमाने के लिए, वहाँ बता रही थी क्या क्या है वहाँ पे और क्या नहीं है। सो अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।
मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए।